जो लड़का है ये जुबिया मीर का बॉयफ्रेंड है, इसको इसके भाई ने, मेरे शोहर मोहम्मद अरसलान ने रंगे हाथों पार्क में पकड़ा है इसके साथ। उसके बाद से इसलिए ये इसके साथ मिला हुआ है और हमसे बदला ले रहा है और इसके साथ मिलके हमारे अगेंस्ट ही सारा प्रोपेगेंडा मीडिया पे कर रहा है। मेरी अल्लाह से यही दुआ है, अल्लाह अपने हबीब के सदके हमें इंसाफ देगा। इंशाल्लाह आप लोगों के सामने सच्चाई जरूर आएगी और हर चीज प्रूफ के साथ आएगी। आप लोग मेरा ये पैगाम पूरा सुनिए और दुनिया तक पहुंचाइए। एक स्टोरी देख के जज मत कीजिए प्लीज। और बाकी बस देखा है कि अरम और ये इन्होंने, मैं ये बात कलमा पढ़ के कहती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह। हमने ना कोई प्रॉपर्टी के पेपर चुराए हैं, ना ही घर से कोई चीज चुराई है। उल्टा प्रॉपर्टी के पेपर भी इन्होंने हमारा सब कुछ चुराया है। और जो प्रॉपर्टी के पेपर हैं वो मैं आपको अपलोड कर दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि घर मेरे हस्बैंड के नाम है, इसलिए ऐसी कोई बात ही नहीं है कि हम प्रॉपर्टी के पेपर लेके भाग गए हैं। दूसरी बात, इससे ज्यादा मेरे में अभी भी मैं प्रेग्नेंट हूं और मेरी एक बेटी भी है। अल्लाह मुझे इन बच्चों की मौत नसीब करे अगर मैं एक लफ्ज भी ये झूठ बोलूं जो इन्होंने हम पे इल्जामात लगाए हैं। सरासर झूठ है। उल्टा इन्होंने हमारी गाड़ी की बुक, हमारा जेवर, हमारी कैश, हमारे एटीएम और हमारी हर चीज लेके, हमारी गाड़ी, हमारा टीवी, हमारा यहां तक कि इन्होंने हमारा टीवी तक नहीं छोड़ा, इन्होंने हमारा टीवी भी तोड़ दिया है। यहां तक कि इतने बड़े, पूरी मैं पिक्चर्स अपलोड करूंगी जिसमें आपको नीचे सारे प्लास नजर आएंगे, उन प्लासों से इन्होंने टीवी के स्क्रीन्स अंदर से निकाले हैं और टीवी को चूरो चूर बाहर से किया है। ये हर चीज मैं आपको विद प्रूफ दूंगी। ये आप बाहर मोहल्ले वालों से भी पूछ सकते हैं। आप हमारे घर आए, गवर्नमेंट आए, मीडिया आए, घर आके देखें कि इन्होंने अंदर हशर क्या किया है। पूरे मोहल्ले वालों से पूछे, पुलिस वालों से इनका पूरा मीर का सारा कुछ। ये जुबिया मीर जो है वो मेरी सौतेली नंद है, मेरे हस्बैंड की सौतेली बहन है। ये सब, ये पिछले एक डेढ़ हफ्ते से इन सब का प्रोपेगेंडा था। ये मेरे घर मेरे हस्बैंड के नाम है। जो सब इन्होंने उसमें झूठ लिखा है कि हम प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके भागे हैं या हमने पैसे चोरी किए हैं, सब कुछ वो अभी मैं एक एक प्रूफ आपको लगाऊंगी, दिखाऊंगी पूरे पेपर्स के साथ कि घर किसके नाम है। मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद अरसलान है और घर उनके नाम है। वो मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स अभी सब कुछ अपलोड करूंगी जिसमें से आपको प्रूफ के साथ सब कुछ पता चल जाएगा कि हम क्या प्रॉपर्टी के लेके भागे हैं या क्या सब है। ये सब जुबिया मीर प्रोपेगेंडा करवा रही है क्योंकि वो मेरी सौतेली नंद है और वो मेरे हस्बैंड से घर लेना चाहते हैं। घर मेरे हस्बैंड का है और उनके नाम है। ये मैं अगले पूरी इस वीडियो के बाद प्रूफ के साथ, पिक्चर्स के साथ हर चीज अपलोड करूंगी। जुबिया मीर, वरना मेरी सास को आप लोग आए, मीडिया आए, पूरी दुनिया आए, मैं अपना एड्रेस बताती हूँ, अपनी हर एक एक चीज बताती हूँ, आके आप देखें, उनको एक स्टेटस अपलोड करना नहीं आता। ये सब कुछ जुबिया मीर करवा रही है उनके थ्रू, उनको आगे करवा के घर नाम करवाने के लिए। और ये जुबिया मीर का प्रोपेगेंडा है। और आप खुद देखें कि एक माँ, अगर आप लोगों को खुद वीडियो में नजर आ रहा है, इतनी कॉमन सेंस तो हर इंसान में होती है कि एक बच्ची जो अपनी माँ को बचाना, अपनी माँ को बचाएगी कि वो वीडियो बनाएगी एक, और अगर वीडियो बना रही हैं तो वीडियो का पूरा पार्ट क्यों नहीं दिखा रहे, सिर्फ इतना सा पार्ट क्यों दिखाया है और उसके बाद वीडियो क्यों बंद हो गई है, पूरी लड़ाई क्यों नहीं बताई। जुबिया मीर जो है वो, और जुबिया मीर ने पूरी वीडियो भी अपलोड नहीं की। मैं अभी पूरी वीडियो अपलोड करूंगी। जुबिया मीर मेरा रूम नीचे है और ये ऊपर से ही कैमरा खोल के आई है, कैमरा स्टार्ट करके ऊपर से ये नीचे आई है वीडियो बनाने के लिए क्योंकि इनका प्रोपेगेंडा था। मेरे हस्बैंड ने अपने होशो हवास खो के अपनी माँ पे हाथ उठाया है मजबूरन होके, क्योंकि मैं 6 महीने प्रेग्नेंट हूं। मैं अभी अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स अपलोड करूंगी। मेरी 1.5 साल की बच्ची है, इन्होंने मुझे मारा है, मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे अटैक किया है। मेरे हस्बैंड ने मुझे और अपने होने वाले बच्चे को और जो हमारी 1.5 साल की बच्ची है उसको बचाने के लिए ये सब कुछ किया है। मेरे, इन्होंने पहले मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे अटैक किया है, फिर मेरी बच्ची को मारा है।